दोस्तों, आज की कहानी है माजी जीव मेरी नहीं आपके बेटे की सटोरी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ जी ये यही खाते हैं, इसलिए मैं भी अब यही खाने लगी हूँ। आपको क्या खाना आप बता दीजिए, बना दूंगी। सलोनी ने सास से पूछा, तभी मेरा बेटा इतना कमजोर हो रहा है, ठीक से खाना जो नहीं खाता। मिलता सुलोचना जी बोली, अरे माँ आप भी ना, मैं कहाँ कमजोर हूँ। अच्छा ये बताओ, शाम को आपके लिए क्या लेकर आऊँ खाने को। राज माँ से बोला, बाहर से क्यों, जो खाना होगा वो बना देगी। तू अभी जा, आज मैं तेरे लिए कुछ बनाऊंगी, बढ़िया सा कुछ, सोचते हुए सुलोचना जी बोली। शाम को सुलोचना जी ने बहू के साथ मिलकर शाही पनीर दाल और रोटी बनाई। राज ने सूप साफ सब खा लिया। सलोनी हैरान थी उसके सामने नखरे करने वाला राज आज कैसे सूप साफ खा रहा है। अगले दिन सुलोचना जी जल्दी उठी और नाश्ता बनाने लगी। माँ जी वो नहीं खाएंगे, आप बेकार मेहनत कर रही हैं। सलोनी उन्हें रसोई में लगा देख बोली, बहू मैंने तुम्हें यह राज की देखभाल को भेजा था, तुम ये देखभाल करती हो, उसकी खाना तक ठीक से बनाकर नहीं देती हो। लगता है तुम्हारी जीभ ज़्यादा ही सटोरी है, इसलिए घर का खाना तुम्हें नहीं भाता और मेरे बेटे को भी तुम बनाकर नहीं देती। सुलोचना जी बोली, माँ जी जीभ मेरी नहीं आपके बेटे की सटोरी है। जब यहाँ आई तो एक से एक चीजें बनाई, पर इन्हें बेमन से खाते देख मेरा मन कब तक करेगा बनाने का। जब मैं यहाँ आई थी खुश थी कि पति को अपने हाथ से खाना बना खिलाऊंगी, पर सुबह उन्हें ब्रेड मक्खन खाना है, दिन में कैंटीन में, तो बताइए मैं किसके लिए बनाऊं। सलोनी बोली, अरे तुम अच्छा खाना बनाती तो वह अपने आप लेकर जाता, पर तो तुम तो खुद आलसी हो गई, या यूं कहो सटोरी। सुलोचना जी बोली, माँ जी सब करके देखा पर कोई फायदा नहीं, कितनी बार खाना फेंका है मैंने, अब आप इसे मेरा आलस कहो या सटोरापन। क्योंकि बहू को ये कहना आसान है, पर वह आलसी या सटोरी किसके कारण बनी ये कोई नहीं देखता। सच यही है, जब मेहनत का कोई फायदा नहीं तो क्यों की जाए। सलोनी बोली, सुलोचना जी ये सुन सूप हो गई और खाना बनाने लगी। क्योंकि उन्होंने सलोनी को 2 महीने देखा है, सबके लिए शौक से खाना बनाते। राज आज से तुम ये ब्रेड मक्खन नहीं घर का खाना खाओगे और टिफिन भी लेकर जाओगे, समझे। जब राज तैयार होकर आया तब सुलोचना जी बोली, पर माँ ब्रेड मक्खन में क्या बुराई है। राज बोला, बुराई ये है कि ये सेहत के लिए सही नहीं, तुम्हारे कारण बहू को भी बाहर का खाना पड़ता है या फिर भूखे रहना पड़ता है, रोज रोज बाहर का खाना ठीक नहीं। सुलोचना जी बोली, पर माँ राज कुछ बोलने को हुआ, राज अपनी आदत बदलो वरना बहू को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। क्योंकि तुम खुद तो अपना अहित कर रहे हो, उसे भी बीमार कर दोगे। सुलोचना जी बोली, ये क्या बात हुई, माँ मैं क्या उसे मना करता हूँ कुछ भी खाने को। राज झुंझलाया, बेटा वह अपने अकेले के लिए नहीं बना पाती, तुम समझो ये बात, जब अकेले थे तब बाहर का खाया ठीक है, बहू है तुम खाओगे।
मन से वो बनाएगी, हफ्ते में एक बार बार का ठीक है, पर रोज रोज ये सटोरापन सही नहीं। सुलोचना जी बोली। बहुत देर तक दोनों की बहस होती रही, पर आखिरकार राज को झुकना पड़ा। सुलोचना जी ने भी सोच लिया, जब तक यह है राज के सटोरेपन पर अंकुश लगाएगी, जिससे उसमें बदलाव आए। दोस्तों, अक्सर औरतों को सटोरी बोला जाता है, पर ये भी सच है, कुछ घरों में उन्हें सटोरी घर के पुरुष बनाते हैं, क्योंकि वह खुद सटोरे होते हैं। बाहर का तेल मसाले का खाना उन्हें भाता है, और धीरे धीरे पत्नी का मन हट जाता है खाना बनाने से। ऐसे में गलती किसकी है, उस पत्नी की या पति की?